अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। द प्रोफेशनल कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। इस प्रोफेशन में हम सारी गार्डनिंग के बारे में, प्लांट्स की केयर, फूलों की केयर, पौधों की केयर, फ्रूट्स की प्रोटेक्शन किस तरह करनी है, प्लांट्स की हमने कैसे प्रोटेक्शन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन हॉर्टिकल्चर। The profession course can be adopted after the higher secondary education in biology। ये कोई ऐसा profession नहीं है जिसमें education की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी हमें higher studies की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास biology का knowledge होना बहुत ज़रूरी है। Next topic is farming। Farming, as you know, the name is farm। Farming mean के जब हम different farm जो बनाते हैं पाकिस्तान में, जैसे different farm है, poultry farm है, cattle farm है और दूसरे फिशरी फॉर्म है, अलॉट ऑफ फॉर्म्स आर देयर, बट फॉर दिस वी यूज एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक्स फॉर द बेटरमेंट और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्सेज। इन पोल्ट्री फॉर्म चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड, वी कैन आल्सो टेक केयर ऑफ द चिकन एंड क्वान्टिटी क्वालिटी ऑफ द चिकन, एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल इन दिस फील्ड। In fruit form, different fruit yielding plant are grown. This profession can be adopted after the course of agriculture, animal husbandry or fisheries. इस फील्ड में हमें ये पता होना चाहिए कि हमने फ्रूट्स की प्रोडक्शन कैसे लेनी है, इसको सेव किस तरह करना है, किस जगह से हम कौन सी प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं, फ्रूट कौन से बेहतर ले सकते हैं, एवरीथिंग स्टडीज इन फार्मिंग। Next topic number 7, forestry. Forestry, as the name show, it comes from the forest. Forest mean, forest is the blessing of God. It deals with the study of the natural forest and advises to a government for planning and growing artificial forest. जब कभी हमारी कंट्री में प्लांट्स की, पौधों की, फॉरेस्ट की कमी हो जाती है तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए। ये वैसे भी सदका जारिया है क्योंकि एक पौधा जो है 36 लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट स्पेशल प्लानिंग करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, पौधे लगाएं, फॉरेस्ट लगाएं। दिस प्रोफेशन कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ द जूलॉजी एंड बॉटनी। यानी कि हमारी दिस इज़ हायर लेवल लेवल ऑफ स्टडी जूलॉजी एंड बॉटनी। द पर्सन हु डिड MSc जूलॉजी, MSc बॉटनी, दे वर्क फॉर द फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज बायो टेक्नोलॉजी। बायो, एज द नेम शो, बायो टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम टेक्निक्स। इट डील विद द स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ तैयार कर सकते हैं, बायोटेक्निक्स के ज़रिए से अच्छी क्रॉप्स पैदा कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, जो बिलोंग करती हैं बायोटेक्नोलॉजी से। फॉरेस्ट, जब कभी हमारी कंट्री में प्लांट्स की, पौधों की, फॉरेस्ट की कमी हो जाती है तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए। ये वैसे भी सदका जारिया है क्योंकि एक पौधा जो है 36 लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट स्पेशल प्लानिंग करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, पौधे लगाएं, फॉरेस्ट लगाएं। दिस प्रोफेशन कोर्स कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ द जूलॉजी एंड बॉटनी। यानी कि हमारी दिस इज़ हायर लेवल लेवल ऑफ स्टडी जूलॉजी एंड बॉटनी। द पर्सन हु डिड MSc जूलॉजी, MSc बॉटनी, दे वर्क फॉर द फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज बायो टेक्नोलॉजी। बायो, एज द नेम शो, बायो टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम टेक्निक्स। इट डील विद द स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ तैयार कर सकते हैं, बायोटेक्निक्स के ज़रिए से अच्छी क्रॉप्स पैदा कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, जो बिलोंग करती हैं बायोटेक्नोलॉजी से।